TV9 के एग्जिट पोल में हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुमत के आंकड़े को छूते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बीजेपी को 33 तो कांग्रेस को 31, वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। आपको बता दें 2017 में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस को 21 सीटें और माकपा को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा गुजरात में TV9 के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी के खाते में 128, कांग्रेस को 45, वहीं आपको 4 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही। दिल्ली के MCD चुनाव में आपको 145, बीजेपी को 94 और कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा और खतौली सीट पर उपचुनाव हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में मतदान काफी धीमा नजर आया, लेकिन शाम तक रामपुर सदर विधानसभा सीट पर 31.22% मतदान हुआ था, जबकि मैनपुरी में 49.5%, भोगांव में 48.5%, किसनी में 48.2%, करहल में 53.1% और जसवंत नगर में 57% वोट डले थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में मतदान किया, जिसके बाद दोनों ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दे रही और उनकी ID चेक करके उन्हें परेशान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा प्रशासन सरकार के साथ मिलकर चाहती है कि सपा के पक्ष में वोट नहीं पड़े। इस दौरान डिंपल यादव ने भी कहा कि बीजेपी वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जहाँ से हमें सूचना मिल रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे रहे हैं। जो रामपुर में हो रहा है वो ऐसा कल किसी ने नहीं सोचा होगा कि वोट को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लोग अगर वोट डालने आ रहे हैं तो उनकी पिटाई कर दे रहे हैं, अपमानित कर दे रहे हैं। पुलिस ID चेक कर रही है, ये कहाँ से अधिकार दिए हैं पुलिस को? पुलिस का अधिकार है सुरक्षा देना। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं कि जिससे वोट लोग न डाल पाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने TV9 से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पुलिस के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और उनके घरों पर छापे मार रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थाने भी लेकर जा रही है, जिसे हमने छुड़वाया है। आज भी 2:30 बजे तक पुलिस के पीछे पीछे लगना पड़ा और कई जगह पर हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके घरों पर छापा मार रही थी, पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कल का उदाहरण है ही। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना सोमवार को मतदान के दौरान मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सारे आरोपों को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि सब जगह शांति से मतदान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर में बदलाव की लहर है। स्क्रिप्टेड इनके स्टेटमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके पास कोई और तरीका नहीं है अपनी बात को कहने का। सब जगह इतनी शांति से मतदान हो रहा है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं से कोई वो है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है सब, और रामपुर में बदलाव की स्थिति है। समाजवादी प्रतिनिधि मंडल फिर से सोमवार को मतदान के दौरान बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंचा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, खतौली और रामपुर चुनाव में धांधली कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के 40 कार्यकर्ता चुनाव आयोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। इस दौरान चुनाव आयोग पर भारी पुलिस बल तैनात था। सपा का कहना है कि उपचुनाव निष्पक्ष और चुनाव में बाधा डालने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करे। यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 33,769,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इस दौरान सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोमवार को लखनऊ के थाना सैरपुर में चला CM योगी का बुलडोजर। नगर पंचायती बक्सी के अवैध अतिक्रमण वाले तालाब पर बुलडोजर चलाया गया है। क्षेत्रीय सभासद ने इसका विरोध करते हुए काम को रुकवा दिया है।
उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की जा रही। इस दौरान वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था। कन्नौज में शारिक नाम के इत्र कारोबारी के घर पर जीएसटी के 12 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। टीम ने कारोबारी के घर शारिक के पिता मोहम्मद हाशिम कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। जीएसटी अधिकारी का कहना है कि घोषित टर्नओवर कम दिखाना और अपंजीकृत होने की सूचना मिलने पर ये छापेमारी की गई। इस दौरान जीएसटी अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त कर लिए। घंटों चली छापेमारी से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया।